बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज? चले, अच्छी बात है जी, अगर आवाज आ रही है तो। जी, अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े कम हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये 2-3 दिन से लाइट का बहुत इशू हो रहा है, बारिश और आंधी की वजह से। जी सर, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो वो पूछ लें, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बंच करते हैं। इसको थोड़ा सा हमने किया था पहले, आज रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, और आपको क्लास असाइनमेंट देंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में आप वो असाइनमेंट करके मुझे सेंड करेंगे। तो बच्चे क्यों कम चाहिए? हमें गूगल से मिल जाएगा जो उनको पता नहीं, उनको टाइम ग्रुप में। ये आप गूगल करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच को, तो वहाँ से मिल जाता है ये। आप वहाँ लिखें डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच, तो आपको लिंक आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें, इजीली मिल जाता है ये, मुश्किल नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे आप मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा फिर उसका। ठीक है सर, ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप उसको यूज करते हुए कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा लास्ट लेक्चर में से कोई है? जी तैमूर, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब्दुस्सलाम जी, जुनेद, नकाश भट्ट है, मोहम्मद शर्जील है। सर सर कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं, चलें अच्छी बात है। मैं वेट वेट कर रहे हैं हम लोग के लोग आ जाएं, ज्वाइन कर लें क्लास को, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से। जी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं स्टूडेंट्स ज्वाइन ये क्लास। इस क्लास में बेटा मैं आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के बारे में बताऊंगा, और फिर आपको एक फंक्शन मैंने लिखवाना है, वो फंक्शन आप लोग नोट कर लेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन आप उसका सर्किट डिजाइन करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो आपकी क्लास असाइनमेंट जो है, वो आप लोग उस फंक्शन का सर्किट डिजाइन करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो बेटा आप लोग हमजा, इसका नाम बेटा ये लिखा हुआ है ऊपर, ये टाइटल बार के ऊपर यहां देखें, हमजा करीम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच इस सॉफ्टवेयर का नाम है। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि लैब में इसके बारे में डिस्कशन की थी स्टार्टिंग में, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होता है। जी अहमद शराम, सबको सेंड कर दें। अहमद शराम बेटा सबसे पूछ लें, सबसे पूछ लें, और सबको सेटअप सेंड कर दें, जिस जिसके पास है वो दूसरे लोगों को सेंड कर दें। ठीक है जी, अगर इजीली हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग जो है वो गूगल कर लें, गूगल से आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको ले सकते हैं। हाँ जी, आपका जो अपना ग्रुप है उसमें कर दें, सब में सभी वहां से उसको पिक कर लेंगे। देखिए, ये जो नॉलेज होता है ना आपके पास, नॉलेज होता है, नॉलेज रिलेटेड जो आपको उनके पास चीजें होती हैं वो जरूर एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। आपको अगर किसी चीज का नॉलेज है तो बेटा इस चीज को अपनी आदत बना लें, दूसरे दोस्तों को जरूर बताएं। इसके साथ आपका नॉलेज भी बढ़ता है और इसके साथ आप लोगों के लिए आसानियां पैदा होती हैं।
ठीक है, नॉलेज किसी के साथ या नॉलेज रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो किसी के साथ शेयर करने से कम नहीं होती। ठीक है, आपको मैंने इसीलिए, आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में कहा था, मैंने आपको क्लास में बोला था जब आपको कोई दो तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने कहा था कि सभी लोग आपस में बैठे हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच के ग्रुप्स में बैठे, बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसका मकसद ही बेटा ये था, उसका मकसद ही बेटा ये था कि आप लोग आपस में मिलके काम करें और देन आप लोगों को आइडिया हो कि जब आपस में मिलके काम करते हैं तो कैसे काम होता है, कैसे काम किया जाता है। क्योंकि इन द फ्यूचर जब आप लोगों ने मार्केट में जाना है, आप लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाएंगे, जॉब्स करेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ग्रुप्स की फॉर्म में, टीम्स की फॉर्म में काम करना पड़ता है, किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये, और दूसरा इससे क्या फायदा होता है, एक फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कैसे काम करना है, दूसरा फायदा ये होता है कि आप लोग नॉलेज जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो नॉलेज शेयरिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज है, एक तो इस हवाले से अच्छी है कि आपका नॉलेज इंक्रीज करता है, और दूसरा इस हवाले से अच्छी है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो फिर जो नेचर है, जो अल्लाह ताला है, जो हमारा खुदा है, वो भी आपकी हेल्प करते हैं मुख्तलिफ डिफिकल्टीज के अंदर। तो अपनी आदत बना लें, कोई नई चीज पढ़ते हैं, कोई नई चीज देखते हैं, कम अज कम दो तीन चार लोगों को बताएं कि यार मैंने ये पढ़ा था, मैंने फलानी चीज इस तरह पढ़ी थी, कोई ऐसा क्वेश्चन है या अपना कोई एक्सपीरियंस है वो ग्रुप में शेयर कर दिया करें, कोई भी है। तो बेटा अब 24 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, अब हम लोग मूव करते हैं इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच की तरफ। इस क्लास में ये जो अभी हम लोग हमारी स्टार्ट हुई है, इस क्लास में मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्टरी सारा बताऊंगा, एक छोटा सा सर्किट भी बनाएंगे, हमने लास्ट टाइम क्लास में बनाया था जब क्लास में इसको पढ़ा था। फिर मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको फंक्शन लिखवा दूंगा, तो आप उस फंक्शन का सर्किट डिजाइन करके आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप सेंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अपने सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं। बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, फिजिक्स वाले इसको यूज करते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ा होगा, या अभी हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हों आप लोग। तो यहाँ देख रहे हैं ये बेसिक हमारे पास सारी चीजें जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इस पे क्लिक कर लें, ये डायोड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड आ जाते हैं। यहाँ देखें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड आ जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज अ सिमुलेशन सिमुलेटर, इट इज अ सिमुलेटर, इट इज अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन ही सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर। मींस के अगर हम लोगों ने हार्डवेयर की फॉर्म में कोई सर्किट डिजाइन करना है और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं हार्डवेयर की फॉर्म में वो सर्किट डिजाइन कर सकूं, तो फिर उसमें क्या होता है जी के हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्किट को, अपने कॉन्सेप्ट को इस सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बना के चेक कर लेते हैं कि वो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोगों ने कोई सर्किट डिजाइन करना है, हार्डवेयर हमारे पास है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं अब मेरी आउटपुट ठीक आएगी या नहीं आएगी, तो आप लोग रादर देन के पहले आप लोग हार्डवेयर लेवल का सर्किट डिजाइन कर लें, हार्डवेयर को यूज करते हुए सर्किट डिजाइन करें, आप पहले यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर उस सर्किट को यहाँ डिजाइन कर लें, फिर चेक कर लें कि क्या वो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है तो आप लोग फिर हार्डवेयर की तरफ मूव कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर, वी कैन रन मल्टीपल टाइप ऑफ सिमुलेशंस ओवर दिस सॉफ्टवेयर। हम लोग इसको यूज करते हुए अपने डिफरेंट सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिजिटल लॉजिक का डिजाइन पढ़ रहे हैं, हमारा काम, हमारा कंसर्न जो है वो गेट्स के साथ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आप लोग देखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये ड्रॉप डाउन का साइन, ड्रॉप डाउन मेन्यू का साइन है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स ओपन हो जाते हैं। ये वो सारे गेट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं क्लास में, एंड गेट है, और गेट है, नॉट है, नॉर है, नैंड है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर है, बफर है, एंड सो ऑन। तो हमारा कंसर्न इसके साथ है, तो हम लोग यहाँ से एंड गेट को ड्रैग करके बाहर ले आते हैं, यहाँ से हम लोग और गेट को ड्रैग करके बाहर ले आते हैं। ये मेरे ख्याल से ये कल मैं इस सॉफ्टवेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग की क्लास के साथ। तो ये जो हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, जूम मीटिंग में जो हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं स्क्रीन की शेयरिंग,
ये उसकी वजह से ये बैक एंड पे हमारे पास ये सारा कुछ नजर आता है, ये क्लियर नजर नहीं आता। लेकिन हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आप लोग इसको करेंगे तो आप लोग अपने पास जब अपने सिस्टम में करेंगे तो ये सारा कुछ साफ ही होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हमारा नेक्स्ट है जी, हमने हमने इसको इनपुट देनी है, अपने गेट्स को इनपुट देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्किट है, कोई भी सर्किट है, हमने इसको इनपुट देनी है, तो इनपुट कैसे देंगे? इन सर्किट्स को, इन गेट्स को हमारे पास जो इनपुट जानी है वो 01 की फॉर्म में जानी है, वो 01 की फॉर्म में जानी है, वो बाइंडिंग की फॉर्म में जानी है। और हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करके आए हुए हैं कि अगर हम लोग इसको बाइंडिंग की फॉर्म में इनपुट देना चाहते हैं तो दिस इज अ कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वर्ड जनरेटर का कंपोनेंट है, वर्ड जनरेटर का इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है 01 की फॉर्म में इनपुट देने के लिए हमारे सर्किट को। अब इस सर्किट को हम लोगों ने इनपुट देनी है या अपने गेट्स को हम लोगों ने इनपुट देनी है, वो कैसे देनी है वो हम लोग अभी चेक करते हैं जी कि कैसे इनपुट देनी है। आपको बेटा याद होगा हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी, ठीक है जी। ये तो एक हमारे पास जस्ट लाइक का बटन हमें नजर आ रहा है, जस्ट लाइक का कंपोनेंट नजर आ रहा है। इसमें हम लोगों ने कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे इनपुट्स देनी है, किस बेस पर इनपुट्स देनी है, वो हमें रिक्वायर्ड है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका कंट्रोलर आपके सामने आ जाएगा, वर्ड जनरेटर का कंट्रोलर आपके सामने आ गया। अब वर्ड जनरेटर का जो कंट्रोलर आपके सामने नजर आ रहा है, ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से हमारे पास इस तरह का नजर आ रहा है। आपकी साइड पे भी इसी तरह नजर आ रहा है, मिसिंग वैल्यूज नजर आ रही है या आपको क्लियर साफ नजर आ रहा है? ये वर्ड जनरेटर का जो कंट्रोलर है, ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से बेटा इस तरह कर रहा है, अदरवाइज है ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल ठीक है। ये मिसिंग वैल्यूज है सारी, अभी यहां देखे हमारे पास सारा कुछ हमें बिल्कुल ब्लैंक और व्हाइट कलर में नजर आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों के माइंड में होगा थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखें बेटा, ये हमारे पास वर्ड जनरेटर का कंट्रोलर है। इसी तरह ये जो आपको ये 4 जीरो नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर सारे 4 जीरो ही हैं। और ये जो हमारे पास लेफ्ट ये साइड है जहां पर मैं अभी माउस को मूव कर रहा हूं, इस साइड के ऊपर हम लोग जो है अपने नंबर्स लिखते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में, वो नंबर्स जिनकी बाइनरी हमें चाहिए, वो नंबर्स जिनकी बाइनरी हमें चाहिए। जस्ट लाइक कि हम लोग जब टू वैल्यूज, टू इनपुट्स का या टू बिट्स का हम लोग टू टेबल लिखते हैं, तो हम लिखते हैं जी फोर कॉम्बिनेशन बनते हैं 0001 1011। तो हमें पता है जो 00 वाला कॉम्बिनेशन होता है वो डेसिमल या हेक्साडेसिमल के जीरो के लिए होता है, जो 01 का कॉम्बिनेशन होता है वो 1 के लिए होता है, जो 10 का कॉम्बिनेशन होता है वो 2 के लिए होता है, वो 11 का कॉम्बिनेशन होता है वो 3 के लिए होता है। तो ये वर्ड जनरेटर जो है ना, ये हमें, हम इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिजिट्स देंगे, ये हमें उनकी बाइनरी कैलकुलेट करके एज एन इनपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। हम लोग इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिजिट्स देंगे तो ये हमें उसकी बाइंडी कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो जब हम लोग बाइंडी जो हम लोगों ने यूज करनी है वो हम लोग उसको यूज करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं। यहाँ बेटा आपके पास ये जो 16 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं आपको, इनको इंटरफेसेस भी बोला जा सकता है, जैसे आपको दिल करता है डिफरेंट पॉइंट्स भी बोला जा सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग इनको यूज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ट्रुथ टेबल में हम लिखते हैं XYZ, जैसे ट्रुथ टेबल में हम लिखते हैं ABCD, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर यहाँ मेरे पास गेट की दो इनपुट्स हैं, तो दिस इज एक्स, इसको एक्स को पकड़ूंगा मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, इसको पकड़ूंगा यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास और गेट है, इसके लिए एक्स ये है, मैं एक्स के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा और ये आपके पास पूरा हो गया जी। माशाल्लाह मुबारक हो, हमें नजर आ गया सारा, अल्लाह करे आप ऐसे ही रहे, खराब ना हो जी। आ रहा है नजर आप सबको? पूरा हो गया जी। ये Y की इनपुट जो है वो मैंने Y के साथ कनेक्ट कर दी है दोनों गेट्स की। अब ये जो बेटा साइड है, नजर आ रहा ना बेटा सबको? सब रिस्पोंड किया करें, मीटिंग ज्वाइन करके सो ना जाया करें जी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेटा कि अल्लाह ताला ही है जो आसानियां पैदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ये जो साइड है यहाँ पर हम लोग अपने वो हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखेंगे जिनकी हमें बाइनरी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूँ बेटा कि ये जो फील्ड्स हैं ये किस पर्पस के लिए। अभी आप लोगों ने अभी आप लोग देखें कि इस साइड पर आपका जो कर्सर है वो कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, तो आपकी एडिट की फील्ड में देखें क्या वैल्यू है। मैं इसको फर्दर मूव करूंगा, आप देखेंगे एडिट की वैल्यू में क्या आ जाएगा। इसको फर्दर मूव करूंगा, एडिट की वैल्यू में क्या आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर तो 007 नहीं लिखा हुआ जहाँ अभी हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर तो हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ तो 8 आ रहा है, मैं नेक्स्ट मूव करूंगा तो 9 आ रहा है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जितनी भी पोजीशंस हैं इन पोजीशंस की लॉजिकल वैल्यूज ये हैं, इन पोजीशंस की लॉजिकल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वो लॉजिकल वैल्यूज चाहिए जो कि यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। हमारी वैल्यूज की बेस के ऊपर ये, हमारी वैल्यूज की बेस के ऊपर ये कंट्रोल नहीं करता। जस्ट लाइक मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ, अभी आप लोग देखेंगे मैं यहाँ फाइनल की फील्ड के अंदर 7 करूंगा। फाइनल की फील्ड में मैं यहाँ 7 करता हूं तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा जो सर्किट है वो 0 से लेके 7 तक जाता है या नहीं जाता। अभी आप लोगों ने इसको देखना है, यहाँ अगर ये फील्ड्स, अब आप लोग देखेंगे वो तो पता नहीं कहां तक मूव कर रहा है जबकि वो हमारे हमारी गिवन 7 वैल्यू पे रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने जो रुकना है ना बेटा, हम उसने अपनी वैल्यूज के हिसाब से रुकना है। अब हम लोग उस पोजीशन के ऊपर कौन सा नंबर देते हैं, हम लोग उस पोजीशन पे कौन सा नंबर देंगे, वो हमें उसकी बाइनरी दे देगा। अब आप लोग देखें, यहां देखें, अगर हम मेरी वैल्यूज को देखा जाए तो इसको यहां रुक जाना चाहिए, ये वो खुद नहीं रुका, मैंने रोका है इसको, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली उसको यहां रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वैल्यूज यहां दी जाती हैं, ये वैल्यूज इन पोजीशंस की लॉजिकल वैल्यूज हैं। हमें इन पोजीशंस की लॉजिकल वैल्यूज की बेस के ऊपर इसको कंट्रोल करना है कि इसने कहां से कहां तक मूव करना है। अब हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा था, हम लोगों ने इसको 1 से लेके 3 तक लिखा था। हमने 1 से 3 तक क्यों लिखा था, हमने 1 से 3 तक इसलिए लिखा था कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स के अगेंस्ट 4 कम्बिनेशन बनते हैं, और जो 4 कम्बिनेशन बनते हैं वो 1 0 के लिए बनता है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो यहां मुझे उसको रोकना है, वो कहां तक रोकना है, 3 तक ही रोकना है। क्यों 3 तक रोकना है, इस ये वाला 3 जो है ना वो ये नहीं है, ये मैंने ये जो 3 लिखा है ना ये इस पोजीशन की लॉजिकल वैल्यू है। अब बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, बाय चांस ये हो रहा है कि यहाँ भी 3 लिखा, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, इसकी लॉजिकल वैल्यूज और इसकी लॉजिकल वैल्यू जो है वो सेम आ रही है फिलहाल। और ये जो हमारे पास ये जो कॉलम आपको नजर आ रहा है बेटा, ये 0 0 0 0 से स्टार्ट होके, मैं यहाँ आपको लिख के सेंड करता हूँ, 0 0 0 0 से स्टार्ट होके ये आपके पास F, 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 F तक जाता है, ये बिल्कुल एंड पे जाएगा ना, तो ये यहाँ लास्ट पे आप लोगों के पास इधर लास्ट पर F, 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 क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हमने कहा जी हेक्साडेसिमल तक। अभी हम लोग अगर इसको फर्दर मूव करते जाएंगे, अगर हम लोग इसको फर्दर लिखते जाएंगे, यहाँ 4 लिख लूंगा मैं, यहाँ 5 लिख लूंगा, यहाँ 6 7 8 9, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा A, फिर इसके बाद क्या आएगा बी। ये वैल्यूज हैं सारी की सारी, ठीक है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं जो कि एफ एफ तक जाती हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ नंबर लिखना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट 0003 तक थी, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वो 003 तक ही काम करेगा, हमें ये फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग अब इसको यहाँ पर बल्ब लगाते हैं, रेड प्रोब इसको कहते हैं, रेड प्रोब यूज किया जाता है जस्ट टू चेक कि हमारी आउटपुट ऑन है या नहीं ऑन। इसको रोटेट करते हैं, इसको कॉपी कर लें एक दफा, पेस्ट करना है, पेस्ट कर लें, इसको पकड़ें यहां से, इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसको पकड़ें यहां से, इसके साथ कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि एंड गेट कब
एंड गेट की आउटपुट कब वन होती है? आपको पता है एंड गेट की आउटपुट कब वन होती है? कब होती है वन? मुझे बताएं एंड गेट की आउटपुट कब वन होती है? जी बेटा सब लोग रिस्पॉन्ड करें, दो तीन लोग रिस्पॉन्ड करते हैं फिर सब लोग रिस्पॉन्ड करें। शाबाश। जी सब लोग ठीक कह रहे हैं, सभी ठीक कह रहे हैं बेटा, वेरी गुड। जब सारी इनपुट्स, इसको आसानी के साथ समझने का तरीका कर ये होता है कि जब सारी इनपुट्स वन होंगी तब आउटपुट जो है एंड गेट की वन आएगी, और गेट की कोई एक इनपुट भी हमारे पास ऑन हो गई तो आउटपुट ऑन आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर हमने अपने हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख दिए हैं, हमारा कंसर्न इनके साथ तो नहीं है, हमारा कंसर्न इनकी बाइनरी के साथ है। आप लोगों ने अब यहां देखना है, अभी आपने ये नहीं देखना गेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी आप लोग यहां देखेंगे और फिर आप लोग यहां देखेंगे, यहां मेरा माउस है इस वक्त, इधर देखना है आपने और यहां देखना है। यहां तो आपने देख ही लिया है बेसिकली, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको देखेंगे, आपने देख लेना है, यहां देखना है और यहां देखना है, बाकी बात बाद में करते हैं। बेटा जीरो है, जीरो के अगेंस्ट बाइनरी जीरो जीरो है, वन है, वन के अगेंस्ट बाइनरी जीरो वन है, टू है, टू के अगेंस्ट बाइनरी वन जीरो है, थ्री है, थ्री के अगेंस्ट बाइनरी वन वन है। क्यों? अब ये वर्ड जनरेटर जो है हमें हमारे इन डिजिट्स की बाइनरी जनरेट करके देगा, तो ये हमारे पास ये जो आपको 16 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहां पर आपको बाइनरी लिखी हुई नजर आ रही है, दिस इज रिलेटेड टू दिस वन। ये जो 16 टर्मिनल मैंने आपको कहा था ये हैं, यहां से बाइनरी इनपुट जनरेट हो रही है, यहां से हमारे पास वो फॉरवर्ड की जा रही है टुवर्ड्स आवर सर्किट, जो भी हमारा सर्किट होगा, वो हमारे पास जो भी सर्किट होगा उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ अब आप लोग देखें कि जब हम लोग अब इसको रन करते हैं, जीरो था, जी जी बेटा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, उसने रीज्वाइन किया है, जूम डिस्कनेक्ट हो गया था, उसने रीज्वाइन किया है। तो यहां देखें अब आप लोग जब जीरो के अगेंस्ट है तो बाइनरी जीरो जीरो जनरेट हो रही है, जब बाइनरी जीरो जीरो जनरेट हो रही है तो वो जीरो यहां से एक्स के लिए जा रहा है और जीरो यहां से वाई के लिए जा रहा है। तो आप अब जब आप लोग देखेंगे जीरो के अगेंस्ट हमारे पास बाइनरी दोनों जीरोस हैं, दोनों इनपुट्स जीरो हैं, दोनों गेट्स ऑफ हैं, दोनों की आउटपुट हमारे पास जीरो आ रही है। जब मैं इसको फर्दर नेक्स्ट करूंगा, अभी आप लोग चेक करेंगे इसको, जब हमारे पास डिजिट वन है तो इनपुट जीरो वन आ रही है, एक्स के लिए जीरो है, वन वाई के लिए वन है। तो आप लोग देखें कि एंड गेट ऑफ है और गेट ऑन है, देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आप लोग देख रहे हैं ना कि एंड गेट ऑफ है और गेट ऑन है। फिर जब हम लोग इसको नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इसको टू पर लेके जाते हैं, टू पर लेके जाएंगे तो वन जीरो बाइनरी जनरेट हो रही है, तो वन हमारे पास एक्स के लिए, जीरो हमारे पास वाई के लिए। तो आप लोग देखेंगे एंड गेट ऑफ है और गेट जो है वो ऑन है। जी हमजा बेटा वो मेरे ख्याल से कनेक्शन का इशू हो रहा है, कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी तरफ से, फिर उसने रीज्वाइन किया है, उसने मीटिंग डिस्कनेक्ट कर दी थी, मीटिंग को खत्म कर दिया था, रीज्वाइन किया है, वो नेट के इशू की वजह से हो रहा होगा। फिर ये थ्री, अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे थ्री की तरफ, तो थ्री के अगेंस्ट देखिए हमारे पास बाइनरी वन वन जनरेट हो रही है, और यहां से वन पास हो रहा है एक्स के लिए और यहां से वन पास हो रहा है वाई के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा हमारा जो एंड गेट है वो भी ऑन है, हमारा जो और गेट है वो भी ऑन है, क्योंकि और गेट के अंदर तो एक इनपुट भी हमारे पास ऑन हो जाएगी तो आउटपुट ऑन आएगी। एंड गेट में अब आप लोग देखेंगे वन 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 हमारे पास मींस के दोनों इनपुट्स ऑन है तो एंड गेट ऑन है। उसामा बेटा ये मेरे ख्याल से मीटिंग का इशू है बेटा, ये कनेक्शन का इशू चल रहा है, ये ना कनेक्शन का बेटा इशू चल रहा है, अभी मेरी साइड से ये डिस्कनेक्ट हो गया था, जूम की जो मीटिंग है ये डिस्कनेक्ट हो गई थी, ये उसने खुद फिर रीज्वाइन किया है।
ये कोई मेरे ख्याल से इंटरनेट के कनेक्शन का इशू हो रहा है या एप्लीकेशन को इशू कर रही है, तो इससे परेशान नहीं होना। ये लेक्चर हम लोग यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर भी इसको रख देंगे, तो आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहां से इसको फिर देख ले, वहां से देख लीजिएगा। या कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना आपने मुझसे। अभी अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा था। यहाँ इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर साइकिल पे क्लिक करूंगा बेटा, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग बस्ट करना चाहते हैं इसको, बस्ट से मुराद के एकदम, ठीक है जी, एक दफा में सारा काम हो जाता है, तो ये हमने किया तो वो करके खुद से हमारे पास अब दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमारे पास के कितनी स्पीड से काम ने होना है, कितनी स्पीड से किसी काम ने होना है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, अगर हर्ट्ज में ले जाते हैं इसको, किलो हर्ट्ज में ले जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो गई। इसको हर्ट्ज में लेके जाते हैं, सिंपल हर्ट्ज में लेके जाते हैं, तो स्पीड हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी। जी नकाश भट्ट, आपको क्वेश्चन है जी कोई? जी नकाश भट्ट ने अभी अपना हैंड रेज किया था, उसको बेटा क्वेश्चन है कोई आपको? ठीक है, कोई बात नहीं जी, कोई क्वेश्चन है बेटा यहां तक तो पूछे, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछने, शाबाश। होप्स हो कि आपको समझ आ गई है कि कैसे इनपुट देनी है और कैसे सर्किट डिजाइन करना है, आपको होप्स हो कि समझ आ गई होगी कि कैसे इनपुट देनी है और कैसे आप लोगों ने। जी हमजा, आपको समझ इसलिए नहीं आ रही बेटा क्योंकि आपके साइड पर शायद आवाज का इशू है, आपको समझ आ जाएगी, अब दोबारा से आप इसको सुनेंगे लेक्चर को तो समझ आ जाएगी आपको। हाँ आज इसी तरह ही हो रहा है वलीद, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप लोग इसको दोबारा सुनेंगे YouTube से, सुन लीजिएगा दोबारा से, तो वो आपको आ जाएगी समझ। फंक्शन नोट करें जरा, एक फंक्शन नोट करें, नेक्स्ट क्लास में मैं तो नहीं आऊंगा, आप लोग खुद से घर बैठ के अपना फंक्शन का सर्किट डिजाइन करेंगे और मुझे WhatsApp करेंगे ग्रुप में। अहमद शराम, आप बल्ब कौन सा ले रहे हैं? आप ये वाला बल्ब ले रहे होंगे जिसके ऊपर मेरा माउस है इस वक्त, इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है अभी, क्योंकि इस बल्ब को दो इनपुट चाहिए होती हैं। यहां से फिर ये वाला बल्ब ले ना आप, रेड प्रॉप वाला, आप इनपुट देखें, अपनी इनपुट चेक करें, आपकी इनपुट ठीक है, आपका कनेक्शन ठीक है, अपनी इनपुट चेक कर लें, अपना कनेक्शन देख लें आपका ठीक है, अपनी इनपुट चेक कर लें बेटा। अहमद शराम, आप अपनी इनपुट चेक कर लें, अपने कनेक्शन देख लें ठीक है, मैच कर लें ना आप लोग, ये जो मैंने इनपुट दी हुई है इसके अकॉर्डिंगली दोबारा करें, कनेक्शन समटाइम हमारा गलत प्लेस हो जाता है, कनेक्शन ठीक नहीं होता। अली अहमद, किसको ऑन करना है आपने एक ही स्टेप में? आउटपुट को ऑन करना है, आउटपुट ने इनपुट की बेस पर ऑन होना है, आउटपुट ने इनपुट की बेस पर ऑन होना है, ऐसे नहीं है कि आप लोग उसको एकदम से, ठीक है जी, कि एक ही स्टेप में सारी इनपुट आउटपुट सामने ऑन करनी है, दैट डिपेंड्स आपकी इनपुट क्या है। अभी आप लोग यहां देखें जरा, मैं इनिशियल स्टेज में चेंज करता हूं, मैं मीन्स के थ्री से स्टार्ट करे और थ्री पे ही रहे जी,
अहमद, अली अहमद ये देखे हैं कि हमने अपनी इनिशियल और फाइनल सेम कर दी है। अब इस वक्त आपका पॉइंटर जिस टाइम जिस कंट्रोलर जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर आपकी जो बाइंडी जनरेट हो रही है 1-1 हो रही है। अब आप लोग देखें कि एक ही स्टेम में सारी आउटपुट्स ऑन है, जी उसामा यहां पर आप पूछ रहे हैं उसामा, ये जो फील्ड्स हैं, जी उसामा यहां पर पूछ रहे हैं आप, यहां पर मेरा माउस इस वक्त मूव कर रहा है, आपका जो क्वेश्चन है सर जी वो इधर या यहां पर बटन आप लोग प्रेस करते हैं जहां हमारे पास ये नहीं, यहां नहीं, ये इनपुट्स बेटा नहीं है, यहां पर जो इनपुट्स देनी है ना, ये एक्स है ये वाई है, जी ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, लेफ्ट टू राइट जाना है, आप ट्रुथ टेबल में लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं ना, इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेफ्ट टू राइट आप ट्रुथ टेबल में इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं बेटा, तो ये लेफ्ट टू राइट देनी है समा, होप्स हो गया आप समझ गए हैं। अगर एक्स वाई जी तीन इनपुट्स होंगी तो ये एक्स वाई जी बन जाएगा, अगर चार इनपुट्स होंगी ए बी सी डी तो ये ए होगा ये बी होगा ये सी होगा एंड ये डी होगा, जी उसामा फॉलो कर लिया आपने, जैसे मर्जी नहीं देनी आपने इनपुट्स, आपने जिस तरह जिस फॉर्म में आप लोग ट्रुथ टेबल को रीड आउट करते हैं उसी फॉर्म में आप लोग इनपुट देंगे, ठीक। और ये जो 16 टर्मिनल्स हैं बेटा, ये 60 टर्मिनल्स ये इसके लिए हैं, ठीक है, दीज 60 टर्मिनल्स आर फॉर दिस, ये हमारे पास यहां से इनपुट्स आएंगी, यहां हम लोग देंगे, और जब आप लोग ये कनेक्शन करते हैं बेटा, आप जितने मर्जी गेट्स लगा लें अली अहमद, आप जितने मर्जी गेट्स लगा लें, आप बार बार गेट्स लगाएं, यहां से मैं गेट यहां से, जी लेफ्ट वाला उसामा सलीम, जी लेफ्ट वाला एक्स है, दिस वन इज एक्स ये वाई, आप लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं ना अपना, आप लेफ्ट टू राइट ट्रू टेबल में लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, उसी जैसे आप ट्रू टेबल में डील करते हैं वैसे ही आप लोग यहां डील करेंगे, एक्स वाई, एक्स वाई है या ए बी सी है, ठीक है। यहां पर आप लोग अभी अगर गेट की इनपुट्स मोर देन टू है, ये देख लें जरा, अगर हमारे लॉजिकल गेट की इनपुट्स मोर देन टू हैं तो आप लोग ये जरा यहाँ देखते हैं हम लोग, मैं गेट यहाँ से ड्रैग करता हूँ भाई, एंड गेट, ये मैं एंड गेट ड्रैग करके लेके आया हूँ यहाँ से, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, किसी भी गेट की अगर इनपुट्स मोर देन टू हैं वो कैसे चेंज होनी है, यहाँ राइट क्लिक करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाएं, नंबर ऑफ इनपुट्स, यहां से आप नंबर ऑफ इनपुट चेंज कर सकते हैं, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, 5 करनी है, 4 करनी है, 3 करनी है, एंड सो ऑन। अगर आप लोग 7 इनपुट्स के साथ जाना चाहते हैं ये लें, आपके गेट की 7 इनपुट्स बन गई हैं। अगर आप लोग 5 इनपुट्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोग 5 कर लें, ये 5 इनपुट्स हो जाएंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली हमें 8 इनपुट्स तक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम 8 इनपुट्स तक जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेटा इन गेट्स का पर्पस, हमारे जितने भी लॉजिकल सर्किट्स हैं, जितने भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक से सर्किट्स देखते हैं, वो गेट्स को यूज करके बनते हैं। आपकी जो रैम है बेटा, आपकी रैम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए बनती है, और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो हमारे पास लॉजिकल गेट्स को यूज करते हुए बनते हैं, ठीक है जी। और ऑन होने से मुराद ये है कि आउटपुट 1 है, और ऑफ होने से मुराद ये है कि आउटपुट 0 है। जब हम लोग सर्किट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक एक इनपुट एक सर्किट को दी जाती है, उसकी आउटपुट आती है, और उसकी आउटपुट को फर्दर हम लोगों ने यूज करना होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने पढ़ा हुआ है, आप इलेक्ट्रिसिटी इसको जानते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करती है। तो हमारा कंसर्न सिर्फ डीएलडी के साथ है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन के साथ, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर सिर्फ गेट्स के साथ ही काम करेंगे, हमारा काम कंसर्न गेट्स के साथ ही है, या गेट्स से रिलेटेड जो भी सर्किट्स होंगे, आगे जाके देखेंगे हमारे पास और सर्किट्स आएंगे, हम लोग उनको देखेंगे वो कैसे काम कर रहे हैं। जी यहां तक लिए उसामा मदनी, बेटा ये भी इनपुट्स ही हैं, वो जस्ट उसने नंबर लिखा हुआ है एक, जस्ट टू शो के यहाँ से इनपुट जाती है, यहाँ एक्स 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 लिखा है, जस्ट टू शो के यहाँ से भी इनपुट जाती है।
कोई और क्वेश्चन है बेटा? फंक्शन नोट करें, सब लोग फंक्शन नोट करें। F इक्वल्स टू, फंक्शन नोट करें बेटा, F इक्वल्स टू जी तैमूर ऑफ, जब आप थ्री वैल्यू देंगे बेटा तो थ्री वैल्यू का गेंस्ट बाइनरी वन वन आएगी ना, जब बाइनरी वन वन आएगी तो एंड गेट की दो इनपुट्स हैं उनके अगेंस्ट बाइनरी वन वन है तो आउटपुट फिर वन ही आनी है। आप पहले एक दफा चेक करें ना इसको, जैसे हमने किया है, जब बाइनरी जीरो जीरो होती है तो एंड गेट ऑफ है और गेट भी ऑफ है, जब बाइनरी जीरो वन होती है और गेट ऑन हो रहा है और एंड गेट ऑफ हो रहा है। फंक्शन बेटा नोट कर लें, बाकी बातें बाद में करते हैं। एफ इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम सी, एफ इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्लस ए बी प्राइम प्लस ए बी प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्राइम बी प्राइम सी प्राइम प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। रिपीट कर रहा हूं फंक्शन को सुन लें। एफ इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्लस ए बी प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्राइम प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। जी नोट कर लिया फंक्शन सबने? फंक्शन नोट कर लिया आप लोगों ने? जरा स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट भी लिख लें, ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट बेटा, स्टेटमेंट भी लिख लें, ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट फॉर द गिवन फंक्शन, ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट फॉर द गिवन फंक्शन, draw the logical circuit for the given function and verify its output and verify its output using truth table। ji usama madani very good, theek hai beta। b prime c prime hai jo third term hai, jo third term hai usama madani wo b prime c prime hai, third term mein c par bhi prime hai। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ड्रा द लॉजिकल सर्किट फॉर द गिवन फंक्शन एंड वेरीफाई इट्स आउटपुट यूजिंग ट्रूथ टेबल। देखिए आप सर्किट डिजाइन कर लेते हैं जी अली अहमद, अब ठीक है अली अहमद ने सही फंक्शन लिखा है। जी बेटा आप सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, आपको कैसे पता चलेगा इसकी आउटपुट ठीक आ रही है या गलत आ रही है? आपकी आउटपुट ट्रूथ टेबल से वेरीफाई होनी है। ट्रूथ टेबल बनाएंगे, अगर आपका सर्किट ट्रुथ टेबल के मुताबिक आपकी आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सर्किट ठीक है। अगर आपका सर्किट ट्रुथ टेबल के मुताबिक आउटपुट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आपका सर्किट ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, अपना ख्याल रखिएगा। सर्किट को है डिजाइन करके बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें, ये आपकी नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के टाइम के अंदर ही आपने इसको सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है जी? नेक्स्ट क्लास के अंदर ही आपने सेंड करना है, उसके बाद नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा से।